तो गाइस ये होने वाले भाई क्लैश ऑफ द कैसल को लेकर फाइनल वीडियो और भाई आज की तीसरी वीडियो होने वाली है। इससे पहले भी दो वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं देखे तो उसको जाके देख लेना भाई, मेरा काफी भला हो जाएगा। और देखो भाई क्लैश ऑफ द कैसल को लेकर भाई जितने भी अपडेट्स है, जितने भी न्यूज रूमर्स है, वो सब आपको जो इसी वीडियो में जानने को मिल जाएंगे। फाइनल है तो भाई सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको डबल की न्यूज अपडेट देखने को मिलती जाती है। चलो आज के मार्के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बातों को शुरू कर लेंगे तो मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्टोमन के बारे में। तो देखो भाई ब्रॉन स्टोमन के बारे में अपडेट ये है कि रॉ में तो वो आने ही वाले हैं, लेकिन साथ ही में जरूर न्यूज़ की रिपोर्ट ये भी है कि आज सुबह के आसपास जो है उनको भाई स्पॉट किया गया था कार्डिफ में। अभी है या फिर नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन भाई सुबह जो है वो कार्डिफ में ही थे। तो हो सकता है क्लैश ऑफ द कैसल में भी आ सकते हैं और रॉ में भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ आज सुबह तो वो कार्डिफ में थे। ऐसे बात करें क्लैश ऑफ द कैसल को लेकर भाई कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। तो देखो भाई जरूर न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट आई है कि क्लैश ऑफ द कैसल जो है वो भाई 3 घंटे जितना लंबा होने वाला है। तो भाई 3 घंटे तो काफी इतना ही, जो रॉ भी लंबा होता है। इसके अलावा आपको जो रिंग साइड पे भाई कई सारे जो है मल्टीपल भाई सेलिब्रिटीज और ओल्ड जो रेसलर्स वो देखने में मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो टाइसन फ्यूरी और जो केरियन क्रॉस है वो आपको रिंग साइड पे देखने में मिलने वाले मेन इवेंट के लिए। अब इसका पार्ट टू भी मैं कट लेकर बताता हूँ। रिपोर्ट है भाई इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर। तो उसमें कुछ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भाई सबका जो फेवरेट सॉन्ग है ब्रोकन ड्रीम्स वाला, जिसके भाई लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखने में मिल जाएगा। ड्रू मैकइंटायर का थीम सॉन्ग, उसके अलावा यहाँ पे जो भाई ब्रिटिश बुलडॉग और यहाँ पे जो भाई ब्रैट हार्ट है, इन दोनों की जो फैमिली है वो भाई अटेंडेंस में देखने को मिलेगी। और मैं भी ये भाई आईसी टाइटल के मैच के दौरान आपको देखने को मिलने वाले, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे भाई उन्होंने टीज किया ब्रॉन स्टोमन और ब्रे वायर का रिटर्न। एक तो भाई उन्होंने नीचे सर्कल डाला है और एक उन्होंने भाई नीचे ना क्या कहते वो ट्रेन डाली है। और रही हो रही है भाई बात टीज करने की, तो देखो भाई एक बार इन्होंने फिर से टीज किया है कि ड्रू मैकइंटायर जो आपके भाई न्यू चैंपियन बनने वाले हैं। आप देख सकते हो भाई फाइनल एक बार इन्होंने फिर से वही फोटो डाली है जिसमें भाई ड्रू मैकइंटायर जो है दोनों चैंपियनशिप लेके खड़े। तो भाई ये कुछ टीजर्स है जरूर न्यूज की तरफ से। बात करें ट्राइबल चीफ ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में, तो रोमन रेंस का भी जो इस मैच को हाइप करते भाई फाइनल ट्वीट आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। रोमन रेंस लिखते हैं द परफेक्ट प्लेस टू ऐड अनदर किंगडम इन माय यूनिवर्स कार्डिफ वेल्स #acknowledgemi#wcastle @peacocktv। तो भाई वो कह रहे हैं भाई परफेक्ट प्लेस है, एक और जो किंगडम है वो अपने भाई आइलैंड ऑफ रिलेवेंसी में जो ऐड कर लूंगा और इस किंगडम को मैं जाना जीत जाऊंगा। तो ये कुछ कहना चाहता है ट्राइबल चीफ ऑफ द टेबल रोमन रेंस। ऐसे बात करें क्लैश ऑफ द कैसल के स्टेज को लेके, तो देखो भाई स्टेज को लेके जो फाइनल एक भाई वीडियो आ चुकी है और ये वीडियो आई है भाई फिन बैलर की तरफ से, आप देख पा रहे होंगे। अब देखो भाई कोई कस्टम स्टेज तो इन्होंने बनाया है नहीं है, तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, जो काम है जो मतलब ये रैंप है लंबी चौड़ी और जो एलईडी स्क्रीन है भाई इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। और देखो ये जो रैंप है ना वो भाई सच में है ना लंबी चौड़ी है, तो रोमन रेंस को भाई एंट्रेंस करने में 4 घंटे लग जाएंगे, ऐसा भाई मेरा मानना है। तो देखो भाई एंट्रेंस काफी लंबी चौड़ी है और जिस तरीके से इन्होंने भाई पूरी जो एलसीडी स्क्रीन लगा रखी है एंट्रेंस पे, वो पता नहीं कौन सा लेसर मेनिया था जिसमें जो है भाई वो रोमन रेंस ने ऐसा मुक्का मारा था रैंप पे और पूरे जो भाई वो पायदान फूट गए थे, तो सैथोरिस ने भी जो आग लगा दी थी उस रैंप पे। तो भाई वैसा ही कुछ आपको जो है ना इसी रैंप में भी देखने को मिलने वाला है, बिकॉज रैंप है ना भाई पूरी डिजिटल रैंप है, तो भाई काफी कुछ एनिमेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं एंड आई एम फीलिंग एक्साइटेड। इसे बात कर लें केजन क्रॉस और स्कारलेट के बारे में, तो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि केजन क्रॉस जो भाई कार्डिफ में आ चुके हैं, तो भाई उसकी फोटो भी आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। अब एकदम क्लियर फोटो तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो इस गेट से जो है केजन क्रॉस और स्कारलेट भाई अरीना के अंदर भाई जा रहे हैं और ये फाइनल फोटो है और ये केजन क्रॉस 101% कंफर्म। इसे बात कर लें क्लैश ऑफ द कैसल के भाई मैचेस की लाइनअप को लेकर, तो भाई फाइनल लाइनअप निकल के आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलने वाला भाई 6 वुमन टैग टीम मैच, जो कि भाई बेली की फैक्शन और एलेक्सा ब्लिस वाला जो मैच है वो होने वाला है। उसके बाद आपको भाई गुंदर और सेमस का मैच, उसके बाद सेना बेजदर और लिम मॉर्गन, उसके बाद भाई जजमेंट डे और एजेंट मिस्टीरियो, उसके बाद आपको जो है सेमी मेन इवेंट रिडल और सेथ रॉलिंस का, और मेन इवेंट में आपको भाई रोमन ड्रू का मैच देखने को मिलेगा। और फिलहाल तो भाई यही लॉक बताया जा रहा है, अब कुछ और चेंज हो गया तो भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता फिर। तो इसे बात कर लेंगे ड्रू मैकइंटायर के बारे में, तो भाई ड्रू मैकइंटायर ने कहा है कि क्लैश ऑफ द कैसल में वो जो मेन इवेंट कर लेना, तो भाई उससे वो जो भाई कुछ ज्यादा ही खुश है, मतलब इतना खुश तो वो लेसल मेनिया को मेन इवेंट करने पे भी नहीं होंगे जितना जो है क्लैश ऑफ द कैसल को मेन इवेंट करने पे हो रहे हैं। और भाई सेम ये चीज़ें भाई बेली के साथ भी, कि बेली के लिए जो है क्लैश ऑफ द कैसल वो रेसल मेनिया 38 ही है, बिकॉज रेसल मेनिया में वो तो थी नहीं, तो भाई उनके लिए ये रेसल मेनिया है। और भाई कैसे तो भाई काइंड ऑफ रेसल मेनिया ही हो गया, ये है असली रेसल मेनिया सेकंड, मतलब वैसे तो समर स्लैम तो होता ही, पर ये असली रेसल मेनिया सेकंड हो गया इस साल का। इसे बात कर लेंगे नेक्स्ट फाइनल अपडेट को लेकर, तो ये जुड़े भाई साशा बैंक और नियोमी को लेकर। तो देखो भाई बैक स्टेज है ना भाई रॉ में भी जो है साशा बैंक और नियोमी आई थी ऐसी रूमर्स है, और रूमर्स अभी भी यही है कि साशा बैंक और नियोमी आपको जो है क्लैश ऑफ द कैसल में भाई कंफर्म जो है देखने को मिलने वाली है। अब भाई किस तरीके से देखने को मिलेगी, किस एंगल में देखने को मिलेगी, ये भाई इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है और इसको लेकर ना ही कोई रूमर है, लेकिन रूमर ये जरूर है कि भाई आपको देखने को मिलेगी। और अपडेट्स तो आई थी भाई साशा बैंक और नियोमी जो कॉन्टैक्ट साइन कर चुके हैं, काफी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, आ गई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, लेकिन भाई आज सुबह जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई टीज किया था, उन्होंने भाई यूट्यूब पर जो है वुमेंस डिवीजन की एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें जो है साशा बैंक भाई साफ साफ दिख रही थी, तो मैं भी वो टीज था और मैं भी जो
7 आ ही जाएगी कंफर्म। सो गाइस यही कुछ अपडेट थी क्लैश ऑफ द कैसल को लेकर फाइनल अपडेट्स। बस मिलते हैं क्लैश ऑफ द कैसल के बाद वाली वीडियो में आधी रात को शायद, अगर बेवाइट आ गए तो। फिलहाल इस वीडियो को इनोवेशन थी, मैं मिलता हूँ किसी ने बड़ा किसी ने अपडेट।